हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और फाइनली मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा अबाउट कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी। यू नो, लास्ट कपल ऑफ मंथ्स से मैं सोच रहा था कि कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर कुछ बनाऊं, बिकॉज एक तो हमारी कंट्री में वेडिंग फोटोग्राफी में कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी इतना बड़ा मार्केट और इतने हाई इन डिमांड हो चुका है, और पहले से ये काफ़ी साल हो गए इसको। और मैंने पास्ट में कई वर्कशॉप, ऑलमोस्ट 300+ वर्कशॉप्स में कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर बात करी है, जब मैं निकॉन के लिए वर्कशॉप्स करता था पैन इंडिया। और कई फोटोग्राफर्स के कई क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस किया। कई क्वेश्चंस बड़े कॉमन होते थे रिगार्डिंग इक्विपमेंट सेटिंग्स एंड देन हाउ टू अप्रोच एंड ऑल दोज थिंग्स। बट इवेंचुअली मैं सोच रहा था इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मैं वेडिंग शूट नहीं करता, और मैंने कुछ अपने वीडियोस में इसका जिक्र भी किया था। बट पास्ट में मैंने कई वेडिंग्स शूट करी हैं, अराउंड 60-65 वेडिंग्स इन द मैटर ऑफ लाइक 3-4 ईयर्स। और आई एम टॉकिंग अबाउट गुड वेडिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वेडिंग्स दैट केटर टू अपर मिडिल क्लास एंड हाई क्लास सोसाइटी। और मुझे काफ़ी मज़ा भी आया वेडिंग्स करने में, बट देन मेरे अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने वेडिंग्स छोड़ दी। और इसका जिक्र मैंने कुछ वीडियोस में किया भी है कि क्या वो रीजंस थे, कुछ रीजंस थे। बट देन आई थॉट कि मैंने इतनी वर्कशॉप्स करी हैं, मैं ज़रा देखूं कि YouTube पे लोगों ने, यू नो, मेरी आदत है, मैं थोड़ा, आप अगर मेरे कुछ पिछले वीडियोस देखेंगे तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जाके टॉपिक्स उठाता हूँ जो नॉर्मली कई सो कॉल्ड फोटोग्राफर्स या यूट्यूबर्स नहीं उठाते। मैं उनके ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मुझे, क्योंकि ये लगता है कि जो जनरल टॉपिक्स है, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफी हो, लैंडस्केप फोटोग्राफी हो, ट्रैवल फोटोग्राफी हो, इनके ऊपर तो कई लोग कई अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं, कई लेसन्स दे चुके हैं, कई ज्ञानवर्धक बातें हो चुकी हैं इसके ऊपर, तो उन टॉपिक्स को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट जब कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी की बात हुई, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना चाहा कि देखते हैं कि YouTube पे इसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है, लोगों ने किस तरीके के लेसन्स शेयर किए हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, ट्यूटोरियल्स शेयर किए हैं। और अगर ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्टेंट और अच्छा कॉन्टेंट इसके ऊपर है, तो मैं क्यों इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूँ, यू नो। तो मैंने अपनी रिसर्च चालू करी, और रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया, अनफॉर्चुनेटली, फॉरगेट अबाउट वेस्टर्न फोटोग्राफर्स, फॉरगेट अबाउट अमेरिकन, कनेडियन, यूरोपियन फोटोग्राफर्स, क्योंकि वहाँ वेडिंग एक डिफरेंट अप्रोच से शूट की जाती है। जब इंडियन वेडिंग फोटोग्राफी की बात आती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी की बात आती है, और जो मैंने कॉन्टेंट यूट्यूब पर देखा, आई वॉज रियली शॉक्ड। शॉक्ड इसलिए क्योंकि वो सो कॉल्ड फोटोग्राफर्स, बट हैं वो यूट्यूबर्स, दे आर नॉट फोटोग्राफर्स, जिनकी खासी फॉलोअरशिप है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी की बेस्ट सेटिंग्स क्या हैं। और फिर जब वो वीडियो मैंने देखा, तो उस बंदे ने सेटिंग्स कुछ भी नहीं बताई, बोला आपको बस अपने कैमरे से खेलते रहना है, आप जितना खेलेंगे उतना आप सीखेंगे। तो भैया, आपने टाइटल क्यों रखा बेस्ट कैमरा सेटिंग्स, पहली तो। दूसरा, वो बंदा ये भी बोल रहा है कि अगर आप अच्छी कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो 70-200 2.8 तो भैया देखो चाहिए आपको, या ऐसा कोई लेंस जिसमें 1.8 या 1.4 अपर्चर हो, इसके बिना आप किट लेंस है तो कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी नहीं कर सकते। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। और एक जनाब जिनकी ठीक ठाक फॉलोअरशिप है, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान रसगुल्ला खा रहा है शादी में और साइड से चाशनी टपक रही है, और वहाँ पे अगर आप हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं, वो कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी होगी। मतलब क्या आप किसी की वेडिंग एल्बम में किसी की रसगुल्ला खाते हुए, चाशनी टपकते हुए फोटो छापना पसंद करेंगे या प्रिंट करना पसंद करेंगे? मतलब क्या नॉनसेंस बातें हो रही हैं। आई माइट साउंड एरोगेंट, कि कुछ लोगों को शायद ये लगे कि मैंने बड़ा कमाल तो उखाड़ा हुआ है वेडिंग्स में, बट जिन लोगों को इतने व्यूज़ YouTube पे मिले हुए हैं, वो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अबाउट कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी। खासकर उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो वेडिंग फोटोग्राफी में अपना, यू नो, हाथ आजमाना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी। उन लोगों के लिए ये एक, मुझे नहीं लगता, सही डायरेक्शन है टू फॉलो दीज काइंड ऑफ पीपल, जिनके इंस्टाग्राम पे आप जाते हैं तो गियर्स के साथ फोटो है, कोई कैनन के साथ फोटो खिंचा रहा है, कोई कैनन 70-200 2.8 के साथ फोटो खिंचा रहा है, कोई बोल रहा है बेस्ट गिम्बल ऑफ द ईयर 2022। एक भी ढंग की फोटोग्राफ इन लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल पे नहीं है, एक भी ढंग की वेडिंग फोटोग्राफ तो दूर की बात है।
नॉर्मल लैंडस्केप या ट्रैवल पिक्चर भी इनके इंस्टाग्राम पे आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ गेयर रिलेटेड पिक्चर्स ही मिलेंगी। दे आर मोस्टली यूट्यूबर्स एंड रिव्यूअर्स जिनको कैमरा कंपनी फंड करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं, और ये सटल वे में अपने अपने नो चीज़ें आगे रख देते हैं प्रोडक्ट्स, ताकि आप टेम्प्ट हो जाएं कि अगर आपको कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करनी है तो आप कैनन का 70-200 2.8 ले लें, या निकॉन का 70-200 2.8 या 50mm 1.4 खरीद लें। यही इनका एजेंडा होता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, या मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे आप फॉलो करिए, बट इस वीडियो में मैं इन डेप्थ बात करने वाला हूँ जो मैं अपनी वर्कशॉप्स में बात करता था। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, और जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको वापस से अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम अभिषेक सिंह, आई एम अ कमर्शियल फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर। मेरा जो फोटे अब है वो है ट्रैवल एंड एविएशन, बट मैंने पास्ट में वेडिंग्स में और कमर्शियल एंड लाइफस्टाइल फोटोग्राफी में मैंने बहुत काम किया है। आप मेरी वेबसाइट imabhishek.in पर जाके मेरा काम देख सकते हैं, उससे आपको कम से कम ये गेज हो जाएगा कि आप एक सही इंसान से ये बातें सुन रहे हैं, ना कि सो कॉल्ड यूट्यूबर से। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम स्टिल अ फोटोग्राफर। यूट्यूब वीडियोज़ बनाना मेरा पार्ट टाइम, यू कैन से हॉबी है, मेरा कोई फुल टाइम काम नहीं है। मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ बिल्कुल नहीं करता अपने चैनल पे। पास्ट में मैंने कुछ ट्राई किया था, बट मुझे बोला गया था कि मैं अच्छा बोलूँ नेगेटिव ना बोलूँ, तो मैंने रिव्यू करना ही बंद कर दिया, तो मुझे लोगों ने प्रोडक्ट देना बंद कर दिया। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, आई एम डूइंग माई ओन कमर्शियल वर्क हेयर इन बुडापेस्ट इन यूरोप, और मेरा अपना बिजनेस है यहाँ पे। आई एम इनटू फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, कॉर्पोरेट फिल्म्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जिसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा। बट ये वीडियो में मैं इन डेप्थ बात करना चाहता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी, खासकर कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी, जो मिथ्स और कन्फ्यूजन फैलाए जा रहे हैं, प्लस क्या दिमाग में रखना चाहिए उन लोगों को जो कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं, बट उनको स्लाइटली कन्फ्यूजन है कि वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है, तो एंड तक ये वीडियो देखिए। मैं इसमें हर वो एस्पेक्ट टच करने की कोशिश करूंगा जो मुझे ऐसा लगता है एक फोटोग्राफर के दिमाग में जिसने कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है। और मैं यहाँ पे कोई टिप्स नहीं शेयर कर रहा हूँ कि 6 टिप लीजिए, 5 टिप्स लीजिए, 7 टिप्स लीजिए और कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बन जाइए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो जिससे आप अग्री करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे आप डिसअग्री भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस, और ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी मोटिवेटेड हो गया ये वीडियो बनाने के लिए आफ्टर जो भी नॉनसेंस मैंने देखा जो कुछ सो कॉल्ड इंडियन यूट्यूबर्स फैला रहे हैं। तो मुझे लगा अब ये बता इसके बारे में बात करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको तो चलेगा, पर अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो लेट मी पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन एट द राइट प्लेसेस फॉर यू, और आप इस वीडियो को एक कप ऑफ कॉफी ले लीजिए, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए और आराम से सुनिए। आप इसको पॉडकास्ट की तरह भी सुन सकते हैं। सबसे पहली चीज, वेडिंग फोटोग्राफी, खासकर कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी जब हम बोलते हैं, ये एक अप्रोच है, टेक्निक नहीं है। नाउ अप्रोच और टेक्निक में क्या डिफरेंस है? टेक्निक मतलब आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, कोई सॉलिड स्किल है जिसको आप ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स पॉलिश करते जाते हैं और फिर टेक्निकली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपकी वो एक टेक्निक कहलाती है। टेक्निक आप कोर्सेज में सीख सकते हैं, आप कॉलेजेस में सीख सकते हैं, आप और भी जगह वर्कशॉप्स वगैरह में सीख सकते हैं। कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी मेरे हिसाब से एक अप्रोच है, इट्स नॉट अ टेक्निक। अप्रोच से मेरा मतलब है कि आपका नज़रिया क्या है, और हर बार जब आप किसी क्लाइंट के वेडिंग में जाते हैं, किसी क्लाइंट की वेडिंग शूट करने जाते हैं और आपको कहा जाता है कि भैया कैंडिड पिक्चर्स चाहिए, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। कैसे? कुछ यूट्यूबर्स ने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी जो है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी से डिराइव्ड हुआ है। ऑन दी सेम हैंड वो यही बोलते हैं कि 70-200 2.8 के बिना आप कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, दुनिया का कौन सा प्रोफेशनल स्ट्रीट फोटोग्राफर 70-200 2.8 लेके घूमता है, ये मुझे बता दें। बट एनी विच वेज, तो ये बात तो सही है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी से डिराइव्ड हुए, बट मैं यहाँ पे ये चीज़ रखना चाहता हूँ, जो मैं इसको अप्रोच बोलता हूँ कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी को, वो है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जैसे एक फोटो जर्नलिस्ट होता है, वो कोई इवेंट पे जाता है या कोई लोकेशन पे जाता है जहाँ पे कुछ चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर US प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, फिर वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो वो जो सीरीज ऑफ पिक्चर्स वो जर्नलिस्ट खींचते हैं
वो एक स्टोरी बताती है कि किस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा इवेंट अनफोल्ड हुआ। तो बेसिकली यू अप्रोच कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी मोर लाइक अ जर्नलिस्ट। और इस अप्रोच को सीखने के लिए आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना टाइम अपनी वेडिंग्स में स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप वेडिंग शूट करेंगे, धीरे धीरे आपको इस अप्रोच का अंदाज़ा होता जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ट्रेडिशनल फोटोज़ खींचना वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करना। जी हाँ, हो सकता है हमारी कंट्री में एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर को जो ग्रुप फोटोज लेता है शादी में, उसको इतने पैसे नहीं मिलते जितने कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर को मिलते हैं। बट लेट मी टेल यू, वो ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, उनसे बात करना है, उनको अरेंज करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको एक साथ खड़ा करना है, फिर उनकी पिक्चर्स लेनी है, लाइट चेक करना है कि सब सही पड़ रहा है कि नहीं, सब लोग फ्रेम में आ रहे कि नहीं, चाचा, बुआ, ताऊ, फूफड़, सब लोग, मामा, सब लोग फ्रेम में हैं कि नहीं, ये सारा इवेल्युएट करना है, उसके बाद आपकी वो पिक्चर बनेगी। तो ये ज़्यादा मुश्किल टास्क है एज़ कम्पेयर टू दूर खड़े होके 70-200 लगा के 2.8 अपर्चर करके बस मोमेंट का इंतज़ार करके शटर बटन दबा देना, ये काफ़ी आसान काम होता है। नाउ लेट मी टेल यू, अप्रोच से मेरा यहां पे क्लियर कट मतलब क्या है। मैं क्या करता था जब भी मेरे को कोई असाइनमेंट मिलता था, देखिए कोई भी वेडिंग फोटोग्राफी असाइनमेंट अगर आप उठाते हैं, उसमें आप एक क्लाइंट से डील नहीं कर रहे हैं, आप दो क्लाइंट से डील कर रहे हैं। वो दो क्लाइंट कौन होते हैं? एक तो कपल, जिनको चाहिए सिर्फ उनकी फोटोग्राफ्स, मतलब वो उनके कैंडिड मोमेंट्स, उनके रोमांटिक मोमेंट्स, या उनके कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनको वो चेरिश कर सकें, वेडिंग के दौरान हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए, ऑल दोज डांस करते हुए, उनको सिर्फ अपनी फोटोग्राफ से मतलब है। और दूसरा क्लाइंटल है पेरेंट्स, जिनको चाहिए हर वो इंसान जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो मामा हो, चाचा हो, जीजा हो, भतीजा हो, जितने भी लोग वेडिंग्स में आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है। और वेडिंग एक ओकेजन होता है जहाँ पे फॉर्चुनेटली बोल लीजिए, अनफॉर्चुनेटली वो बोल लीजिए, एक फैमिली की रेपुटेशन तय होती है कि उनकी रेपुटेशन, उनका स्टेटस क्या है। तो उनके लिए ये पिक्चर्स भी ज़्यादा मायने रखती हैं। ऑफकोर्स कपल की खुशी भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑन द सेम हैंड ग्रुप फोटोग्राफ्स, फॉर्मल फोटोग्राफ्स, सारे लोग पिक्चर्स में आए कि नहीं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट वेडिंग फोटोग्राफर हैं और आपने वेडिंग में देखा एक बच्चा खेल रहा है, बहुत बहुत प्यारा सा बच्चा है, और आपने उसकी एक पिक्चर ले ली, बड़ा कैंडिड मोमेंट था, वो अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ था, हंस रहा था, और आपने एक उसकी फोटोग्राफ ले ली, बढ़िया शैलो डेप्थ वाली पिक्चर, जो नॉर्मली जिसको अमूमन सब लोग कैंडिड बोलते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं वो कैंडिड हो, बट एनी विच वेज आपने वो फोटोग्राफ ले ली। अब वो फोटोग्राफ अगर आप अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, वो उसको बोलेंगे कि ये पिक्चर आप एल्बम में रखिए, वो बोलेंगे किसका बच्चा है, फिर उनको याद आएगा अरे ये तो वो हमारे जो पिछले वाले घर के पड़ोसी थे, उनको हमने इनवाइट किया, तो शायद उनका बच्चा है। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, उनके लिए वो बच्चा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्ली एज अ फोटोग्राफर आपके लिए वो वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट पिक्चर होगी उस शादी की, बट उस फैमिली के लिए नहीं है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, मतलब वुड यू लाइक टू प्लेस दैट इमेज ऑन दैट एल्बम? नहीं। तो आपको अपनी अप्रोच पे काम करना होगा कि प्रायोरिटाइज करिए। मैं क्या करता था, जब भी मैं कोई असाइनमेंट उठाता था, तो मैं अपना प्राइमरी गोल रखता था कि मैं कपल के साथ स्टिक रहूंगा, उनके आजू बाजू और उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो कैप्चर करना मेरा काम, और मैं वहां से अपनी पोजिशन हिलाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। ये मेरा काम होता था एज अ फर्स्ट शूटर। सेकेंड शूटर का काम होता था टू कैप्चर पेरेंट्स और जो भी पेरेंट्स से इंटरेक्शन कर रहा है, उनके ग्रुप फोटोज भी हो सकती हैं उसमें। अगर गेस्ट लिस्ट बहुत लंबी होती थी, बहुत बड़ी वेडिंग है, ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, 1000 के आसपास या प्रॉबेबली लिटिल मोर, तो मैं और भी फोटोग्राफर्स रखता था टू कैप्चर अदर जो भी इवेंट में चल रहा है, जो भी फॉर्मल फोटोग्राफ्स लेनी है, स्टेज पे पिक्चर्स लेनी है, इनके लिए एक अलग फोटोग्राफर होता था। तो इस अप्रोच को तय कर दिया जाता था कि आई विल स्टिक विद कपल, सेकेंड शूटर विल स्टिक विद पेरेंट्स, और उसके बाद एक फोटोग्राफर होगा जो बाकी का का इवेंट कवर करेगा अगर वेडिंग का स्केल बड़ा है, नहीं तो दो फोटोग्राफर से भी काम हो जाता था। और अपनी अप्रोच को कायम रखने के लिए, अपने फोकस को बिल्कुल डेडिकेटेडली कपल के ऊपर रखने के लिए, मैं एक कभी कभी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता था। मैं एक अपने लिए एक एक हुडी बनवाया हुआ था, आप हाफ स्लीव्स जैकेट थी बेसिकली, फोटोग्राफर्स जैकेट जिसको बोलते हैं, जिसमें आप बैटरी रख लेते हैं, उसके पीछे मैंने लिखा हुआ था असिस्टेंट फोटोग्राफर, प्रिंट करवा रखा था कि मैं असिस्टेंट फोटोग्राफर हूँ, वो जो ग्रुप फोटोग्राफ ले रहा है वो लीड फोटोग्राफर है,
भले ही मैं लीड करता होता था, ये मेरी टीम को पता होता था, कपल को पता होता था, बट और किसी को नहीं। तो कोई भी जानबूझ के मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आता था, क्योंकि उनको लगता था ये तो छोटा फोटोग्राफर है, ये असिस्टेंट फोटोग्राफर है, वो बड़े वाले के पास चलते हैं जिसके पीठ के पीछे लीड फोटोग्राफर लिखा है, वो अच्छी फोटो खींचेगा। तो मेरा सारा मैं सब ट्रैफिक उस ग्रुप फोटोग्राफर की तरफ डिविएट करते था जिसमें वो मंझा हुआ था खींचने में, और मैं अपना फोकस कपल पे रखता था। तो ये इसको मैं एक एक तरीके की अप्रोच बोलता हूँ। तो कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे पहले चाहिए एक राइट अप्रोच। ये कोई टेक्निक नहीं कि जिसको आप दो तीन वर्कशॉप में या कहीं जाके किसी के अंडर रह के कुछ सीख सकते हैं। ये अप्रोच आप अपनी खुद इन्वेंट करें, खुद डिस्कवर करें, कुछ दूसरों से अडेप्ट करें, कुछ सीखें, और सही अप्रोच लेके अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैंडिड पिक्चर्स हैं वो रिफाइन होती जाएंगी। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, वो है बिल्डिंग अ स्टोरी। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब भी कोई भी वेडिंग एल्बम खोलें, आपकी फर्स्ट फोटोग्राफ से लेके आखिरी फोटोग्राफ के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो एक कहानी बयान करे उस पूरी वेडिंग की। रैंडम पिक्चर्स, एक तो जब आप एल्बम प्रिंट पर डालते हैं तो रैंडम पिक्चर्स हम वैसे भी नहीं रखते। वी स्टार्ट से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हल्दी टू सगाई टू फिर उसके बाद वेडिंग, और वेडिंग में भी फिर हम सेगमेंट कर देते हैं कि इवेंट वाइज जो भी हुआ, सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह आपको भी पता है। बिल्डिंग अप अ स्टोरी, और स्टोरी बिल्ड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रीमलाइन द इवेंट्स कि क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। ये आपके पास मोबाइल फ़ोन पे या किसी पेपर पे या कहीं पर भी जहाँ पे आप नोट करके रख सकते हैं वो इवेंट्स, उनके अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग्स, बिकॉज वेडिंग पे कुछ भी टाइम पे नहीं होता है, बट अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग कितने बजे होने वाला है उसके 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप पहुँच जाएँ एंड बी रेडी विद योर कैमरा एंड गियर्स। उसके अलावा ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एटलीस्ट 5 to 6 गुड शॉट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ओकेजन। अब वो चाहे हल्दी हो, चाहे वो आपकी बारात हो, चाहे वो आपके फेरे हो, चाहे वरमाला हो, इन सब के एटलीस्ट 5-6 गुड शॉट्स निकालने की कोशिश करिए। अपने आप को प्रेशर में मत डालिए, मोमेंट को एंजॉय करिए, बट अगेन एक दिमाग में ज़रूर होना चाहिए अगर आपको एक स्टोरी बिल्ड करनी है, इट इज़ लाइक अ मूवी, यू आर वॉचिंग मूवी। जब भी कोई एल्बम देख रहा हो उसको ये लगना चाहिए कि उसकी आँखों के सामने ये कहानी चल रही है पूरी, एक कपल की, उनकी फैमिली की, जिन्होंने एक लैविश वेडिंग करी, एक गाला डिनर हुआ, एक अच्छा रिसेप्शन हुआ, और वो पूरी कहानी एंड तक उन वो जब लास्ट पेज पलटे हैं तो उनको पूरी कहानी समझ में आ जाए। नॉट जस्ट समबडी हु इज़ रिलेटेड टू द फैमिली बट ऑल्सो टू समवन हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द फैमिली। अगर आप अपनी एल्बम्स और पिक्चर्स के थ्रू ये कहानी एक अनजान व्यक्ति जो उस फैमिली को नहीं जानता उसको भी कन्वे करने में सक्षम हो गए तो मुझे लगता है यू आर अ वेरी गुड वेडिंग फोटोग्राफर। नाउ ज़रूरी नहीं कि हर इवेंट जो हो रहा है वेडिंग में अनफोल्ड उसकी आपके पास 5-6 बहुत सॉलिड पिक्चर आ ही जाएं। ये ज़रूरी नहीं, इट इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब लेट मी टेल यू, बट टारगेट रखिए एटलीस्ट 5-6 पिक्चर हो, ताकि जब वो 5-6 पिक्चर्स आप क्लाइंट को दें उनमें से चूज़ करने के लिए तो वो 1-2 ढंग की पिक्चर्स चूज़ करते हैं नॉर्मली, ताकि एल्बम में आप पूरी 400-500 पिक्चर तो छाप नहीं देते। तो सिलेक्टेड पिक्चर्स उनके पास, क्लाइंट के पास ऑप्शंस होने चाहिए टू चूज फ्रॉम। यस, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। या हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने जाते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी करने जाते हैं, पूरा दिन घूमते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके कोई एक ढंग का 2 ढंग के शॉट्स निकल के आते हैं, और यहाँ एक वेडिंग है जहाँ हमको कुछ घंटों के अंदर 300-350 शॉट्स निकालने हैं जो क्लाइंट्स को पसंद आए। सो यस, इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट दैट ईजी, बट अगेन जितना जॉब टफ है उतने अच्छे रिवॉर्ड्स भी इसमें होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो ऑब्वियसली जहाँ पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होगा वहाँ आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बिल्डिंग अप दी स्टोरी से मैं अब इस पॉइंट पे आता हूँ कि भैया स्टोरी को बिल्ड कैसे किया जाए। तो यहाँ आता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो है एंटिसिपेटिंग द मोमेंट। एंटिसिपेटिंग द मोमेंट से मेरा मतलब हो आपको पहले से थोड़ा सा आभास हो जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब वो हो चाहे ना हो वो बात अलग है, बट आपको आभास है कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो आई एम रेडी विद माय कैमरा, और जैसे ही ऐसा कुछ होगा मैं फट से शॉट ले लूँगा, ये आपने तय करके रखा है। नाउ वेडिंग में ये थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या सेरेमनीज होने वाली है, हल्दी में, एंगेजमेंट में, बारात में, फेरों में, वरमाला में,
अब ऑब्वियसली बात है, जब वरमाला की सेरेमनी चालू होने वाली है, आपको पता है दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, फैमिली मेम्बर्स होंगे, ये यहाँ पे आने वाले, तो सिमिलर काइंड ऑफ एंटिसिपेशन आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू आर रेडी। अब आपने देखा कि बारात गेट के अंदर एंटर कर रही है, ब्राइड के फादर हैं और दूल्हे के फादर हैं, अब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, आपको पता है या तो हैंडशेक होगा या गले मिलेंगे, कुछ तो होगा एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, तो बी रेडी। सो ये प्रॉम्प्टनेस अगर आपको चाहिए, उसके लिए मैं बहुत ही एक फिलोसॉफिकल चीज़ यहाँ पे बोलने वाला हूँ जो हर किसी में नहीं होती, और वो है इमोशनल कनेक्ट। जी हाँ, कई वेडिंग फोटोग्राफर्स फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो वेडिंग फोटोग्राफी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, उनका एक ही एजेंडा होता है कि बस पैसा कमाना है। कुछ हद तक कमा भी लेते हैं बट देन बोर होने लगते हैं और फिर उस काम को एज अ बिजनेस ही चलाने लगते हैं कि यार लड़के भेज दूंगा वो शूट करेगा। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट नहीं होता, वो उस काम से बोर होने लगते हैं। इमोशनल कनेक्ट से मेरा मतलब है कैसे चेक करें कि आप इमोशनल कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं क्लाइंट से, उसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई टॉप चीज़ नहीं है इसको पता करना, और वो है अगर आप कहीं रोड से जा रहे हैं और आपको सर्दी में ठिठुरता हुआ एक होमलेस इंसान दिख रहा है जिसके तन पे कपड़े नहीं है और आपको उस पर बहुत तरस आ रहा है, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके दिल में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा हो रही है, यार कितना ठंड में यू नो ही इज़ सफरिंग, आई शुड डू समथिंग अबाउट इट, और फिर आप उसको अपना कोई यू नो कुछ भी शॉल या कुछ स्वेटर या कुछ आप दे देते हैं उसको, या अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं बट यू आर फीलिंग रियली बैड फ्रॉम इनसाइड, ये होता है कि आप एक इमोशनल इंसान है, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं इररिस्पेक्टिव वो लोग आपके साथ रिलेटेड हैं कि नहीं। अगर ये EQ जिसको हम इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं इसमें आप लैक करते हैं, ट्रस्ट मी कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल है फिर। इसलिए कई बार ऐसा हुआ है कि एक वेडिंग फोटोग्राफी असाइनमेंट मिलने के बाद कपल वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन प्री वेडिंग शूट बट आई इंसिस्टेड कि लेट्स डू अ प्री वेडिंग शूट, आई वॉन्ट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट प्री वेडिंग शूट बिकॉज आई वॉन्टेड टू कनेक्ट टू दैट कपल, आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट कपल कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या एक दूसरे के बारे में दे लाइक, और वो तभी हो सकता है जब आप एक पूरा दिन प्राइवेटली कपल के साथ कोई वेडिंग शूट पे प्री वेडिंग शूट पे बिताएं, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट मच मोर बेटर वे ड्यूरिंग द वेडिंग विद दैट पर्टिकुलर कपल। सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम बेटर एट एंटिसिपेटिंग व्हाट्स गोना हैपन, आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, और आप रेडी रहें अपने कैमरा गियर के साथ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेडिंग्स में जाके लोगों को स्टडी करें, उनका बिहेवियर देखें। जैसे लोग बोलते हैं जो मैंने बताया कि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम कैंडिड फोटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रीट फोटोग्राफी, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी जो स्ट्रीट फोटोग्राफर होता है ही स्पेंड्स काफी टाइम इन ऑब्जर्विंग पीपल, एंड ड्यूरिंग द वेडिंग आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कपल को बैठ के या लोगों को बैठ के ऑब्जर्व करें। सो प्री वेडिंग कैन बी दैट मोमेंट जहां अपना आप एक इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं कपल के साथ, फैमिली के साथ इनफैक्ट, एंड देन दैट वो जो कनेक्ट है वो आपका वेडिंग शूट के दौरान दिखाई देगा। फोर्थ चीज है डायरेक्टिंग कैंडिड मोमेंट्स जस्ट लाइक अ मूवी डायरेक्टर। नाउ कुछ लोग इसको कैंडिड की श्रेणी में नहीं डालेंगे बट मैं डालता हूँ। कैंडिड फोटोग्राफ्स कैन बी डायरेक्टेड एस इस तरीके से कि देखने वाले को ये लगे कि ये कैंडिड मोमेंट है बट एक्चुअल में वो ना हो, वो डायरेक्टेड हो, जस्ट लाइक अ मूवी। जब आप मूवी देखते हैं, किसी एक्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो आप उस एक्टर के कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं कि आप उसमें से वो स्टार एलिमेंट अलग कर देते हैं और आपके लिए वो एक कैरेक्टर बन के रह जाता है उस मूवी में। जब वो रोता है तो आपको भी रोना आता है, जब वो हंसता है तो आपको भी हंसना आता है, जबकि बैक ऑफ द माइंड में आपको ये पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। तो सेम वे डिपेंडिंग ऑन हाउ कंफर्टेबल योर कपल इज, यू कैन एक्चुअली डायरेक्ट द कैंडिड मोमेंट्स नॉट जस्ट विद कपल्स, यू कैन इवन डू इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और कैसे उनसे पोज करवाना है, इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कैसे आप कैंडिड मोमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं इजीली, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जरूर देखिए, प्रॉबेबली आपको थोड़ा सा डायरेक्शन इसके ऊपर जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं द मोस्ट सर्च्ड सेंटेंस और फ्रेज ऑन यूट्यूब, कैमरा सेटिंग्स फॉर कैंडिड वेडिंग्स। यू नो मैंने नॉर्मली मुझे अगर चेक करना होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे,
तो मैं अपने YouTube पे जाके उसको इनकॉग्निशियो मोड पे जाके मैं उस टर्म को सर्च कराने की कोशिश करता हूँ, तो YouTube मेरे सामने ऑप्शंस रख देता है जो ट्रेंड में लोगों ने सर्च कराया, जो ट्रेंडिंग है। तो मैंने इनकॉग्निशियो मोड पे जाके जब सर्च कराया कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी, आगे मैं लिखा भी नहीं था कि उस पर लिखा आ रहा था कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स फॉर कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी, मतलब सेटिंग सेटिंग सेटिंग्स के ऊपर लोगों ने इतनी सर्च करी है कि वो यूट्यूब भी उसको ट्रेंड में दिखाता है। तो और कुछ मेरे भाई यूट्यूबर्स ने तो सेटिंग्स बताने की पूरी कोशिश करी। लेट मी टेल यू, पूरी दुनिया में चाहे कितना भी अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर क्यों ना हो, कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर, कोई भी आपको कैमरा सेटिंग्स नहीं बता सकता कि अगर आप कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करने जा रहे हैं तो अपने कैमरे को इस सेटिंग पर रखिए, ये शटर स्पीड, ये अपर्चर, ये आईएसओ, और बस आपका काम हो जाएगा। मैं कुछ फोटोग्राफर्स तो ये भी बोल रहे थे कि एक फ्लैश लाइट ले लीजिए, उसके ऊपर एक सॉफ्ट बॉक्स लगा लीजिए और वो लेके आप पूरी वेडिंग में फिरिए। ऑब्वियसली जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, बट कई ओकेजन्स पे ऐसी लोग बोलते, जैसे विदाई का सीन, विदाई के सीन में अब हमारे कंट्री में बोला जाता है कि भाई तारों की छाँव में विदाई होनी चाहिए। तो जब आप तारों की छाँव में निकलते हैं तो एक बिजली का खंभा होता है, उस पर एक बल्ब लगा होता है, रोड पे आपकी जो वेडिंग कार होती है सजी हुई बस वो खड़ी होती है, कार के अंदर एक छोटी सी लाइट होती है, और उस टाइम पे अगर आपके पास फ्लैश नहीं है, स्ट्रोब नहीं है, तो क्या आप वेट करेंगे? नहीं, आप उस कंटेंट को ग्रैब करेंगे, ना कि उसको छोड़ देंगे कि अरे लाइट ही नहीं है यहाँ पे, फोटो खींच के क्या फ़ायदा, छोड़ दो इसको। तो आपने विदाई की पिक्चर ही नहीं ली, लड़की की कार में बैठते हुए पिक्चर नहीं ली, वो जो इमोशनल वहाँ पे जो चल रहा है, जो इंसिडेंट चल रहा है, उसकी पिक्चर नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे लाइट अच्छी नहीं थी और आपके पास फ्लैश नहीं थी। तो ये तो मैं इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी रابطہ नहीं रखता, और मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आप अपने कैमरे को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं सारे कैमरे पे जो आप करके रख सकते हैं ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो सबसे पहली चीज़, शूट इन रॉ। नाउ ये एक ऐसा लेसन है, आप अपने कैमरे को रॉ मोड पे कर लीजिए। ये एक ऐसा ही टिप है जो कई लोगों ने, कई बार आपने कई प्रोफेशनल्स की मुझे सुनी होगी। आदमी कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, इंसान हो, वो एक प्रोफेशनल कैमरा लेता ही इसीलिए क्योंकि वो रॉ शूट कर सकता है। एंड जैसे कि पुराने ज़माने में होता था डार्क रूम में फिल्म को डेवलप किया जाता था, वैसे ही आज डार्क रूम की जगह लाइट रूम और फोटोशॉप ने ले लिया है, तो देर इज़ नो हार्म इन दैट। और रॉ पिक्चर में जितना डेटा होता है, जितना रिकवरी का स्कोप होता है, उतना जेपेग फाइल में नहीं होता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आप वरमाला वाला सीन शूट कर रहे हैं, एज अ फोटोग्राफर आपको लगता है कि फैमिली ने सिर्फ आप ही को हायर करके रखा है, बट आप भूल जाते हैं 10 लोग और खड़े हैं गेस्ट के तौर पर, जिनके हाथ में छोटे मोटे कैमरे हैं, मोबाइल डिवाइस हैं। और जैसे ही वरमाला वाला सीन हुआ, सब ने अपनी फ्लैशेस चला दी, सबके मोबाइल में से फ्लैश निकल गया, और जो आपने कैमरा में सेट किया हुआ था अपने फ्लैश के हिसाब से या अपने एम्बियंट लाइट के हिसाब से, वो सब वॉश्ड आउट हो गया, पूरी सफ़ेद पिक्चर आई। अब आप इसको एक जेपेग फाइल में कैसे रिकवर करेंगे मुझे नहीं पता, बट रॉ फाइल में आप इसको बखूबी रिकवर कर सकते हैं। अगर आप 12 बिट की रॉ फाइल शूट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप 3 से 4 स्टॉप ओवर एक्सपोज पिक्चर को भी रिकवर कर सकते हैं। और वैसे ही अंडर एक्सपोज अगर आपकी पिक्चर हो गई, आप उसको लो लाइटिंग में अगर किसी वजह से हो गई, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो रॉ का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ जाता है। ये एक्सक्यूज़ देना सर रॉ तो बड़ी मेमोरी खाता है, बहुत मेमोरी कार्ड चाहिए, तो अगर आप मेमोरी कार्ड नहीं खर्च कर सकते, आप मेमोरी कार्ड पे पैसा नहीं लगा सकते, तो आई थिंक यू आर इन अ रॉन्ग प्रोफेशन। वेडिंग फोटोग्राफी नीड्स कि आप खूब सारी पिक्चर्स खींचें उसमें, ताकि क्लाइंट्स के पास ऑप्शन हो, आपके पास ऑप्शन हो टू चूज फ्रॉम। और अगर आपके पास रॉ फाइल है तो रिकवरी रेट किसी भी पिक्चर का बहुत हाई हो जाता है। दूसरी सेटिंग जो आपको रखनी है कैमरे में वो है बर्स्ट मोड। कैमरे को हमेशा बर्स्ट मोड में रखिए, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग कमर्शियल शूट या प्रोडक्ट फोटोग्राफी की आराम से चीज़ों को सेट किया, एक शॉट लिया, या दिस इज़ नॉट अ प्री वेडिंग शूट कि जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, कोई डायनेमिक एनवायरनमेंट नहीं है, सब आपके कंट्रोल में, लाइट्स आपके कंट्रोल में, और आप आराम से ट्राईपॉड पे कैमरे को लगा के शूट को प्लान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वेडिंग इज़ अ वेरी डायनेमिक मोमेंट। आज आप अभी आप यहाँ शूट कर रहे हैं, दो पल आप दूसरी लाइटिंग में शूट कर रहे हैं, क्योंकि लाइटिंग चेंज होती रहती है। तो बेटर ये है अपने कैमरे को बर्स्ट मोड में रखें, और जैसे ही आपको लगता है, आपने एंटिसिपेट किया ऐसा कुछ होने वाला है, आपने तर 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 कैमरे के फ्रेम चला दिए, देन यू चू पिक एंड चूज विच फोटोग्राफ यू लाइक, कौन सी टेक्निकली अच्छी है, शार्प है, गुड इन एक्सपोजर है, कॉम्पोजिशन है, स्टोरी टेलिंग है,
यू नो उस पिक्चर को आप सेलेक्ट करके देन यू पुट इट इन पुट इट फॉरवर्ड फॉर योर क्लाइंट टू चूज फ्रॉम, कि ये सारी सीरीज ऑफ पिक्चर है जिसमें से वो चूज कर सकता है. ऑब्वियसली एक ही सीन के अगर आपके पास 10 पिक्चर हैं तो इट इज़ योर जॉब एज अ फोटोग्राफर टू पिक 1 or 2 बेस्ट पिक्चर आउट ऑफ दोज 10 फ्रेम्स एंड गिव इट टू योर क्लाइंट टू चूज फ्रॉम. बर्स्ट मोड में कम से कम मोमेंट मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. इसलिए मैं बोलता हूं जब आप कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करें तो जर्नलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए. और अगर आप जर्नलिस्ट को देखेंगे तो नॉर्मली अपने कैमरे को बर्स्ट मोड पर रखते हैं, क्योंकि जब आप वेडिंग की बात करते हैं और जर्नलिज्म की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर नो रीटेक्स, राइट? सो बर्स्ट मोड पे अगर आप रखेंगे तो चांसेस ऑफ यू ग्रैबिंग द बेस्ट शॉट इंक्रीजेस. अगर फोकसिंग मोड की बात करें तो आई प्रिफर AFC बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वेडिंग इज एज आई सेड डायनेमिक एनवायरनमेंट, सब कुछ चल रहा होता है, मूव हो रहा होता है. और उस मोमेंट में अगर आप AFS मोड पे रहते हैं और सब्जेक्ट आपके पास आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है तो चांसेस पूरे हैं कि आपका शॉट आउट ऑफ फोकस आएगा. वो भली LCD स्क्रीन पे आपको नजर ना आए बट कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख सकता है कि वो आउट ऑफ फोकस हो सकता है. तो इसलिए AFC पे रहें. कोशिश ये करें कि जब भी आप यू नो स्टेज वाली पिक्चर्स लें जहाँ पे सब कुछ स्टैटिक है, कुछ हिल नहीं रहा है, एक ही प्लेस पे है, एक ही पोजीशन पे है, ब्राइड एंड ग्रूम एक ही जगह पे बैठे हैं, या मंडप में जब पूजा चल रही है, जब सब कुछ स्टैटिक है, तब यू कैन स्टिल स्विच टू AFS मोड. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू प्रेफर AFC मोड. काफ़ी आसान हो जाता है. और आजकल के कैमरे में जहाँ पे आई ट्रैकिंग और फेस ट्रैकिंग और पता नहीं दुनिया जहाँ के ट्रैकिंग लगा दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि फोकस मिस किसी का भी होगा आजकल के जितने भी लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं इनमें. तो ट्राई एंड कीप योर कैमरा ऑन AFC मोड. फिर बात करते हैं शटर स्पीड की. यस, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. अनलेस एंड अनटिल आप कुछ क्रिएटिव ब्लर वाली कॉम्पोजिशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं तब तक के लिए, इफ़ यू वॉन्ट योर शॉट्स टू बी क्रिस्प शार्प, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर शटर स्पीड, नॉट जस्ट ऑन फोकसिंग मोड. कोशिश करिए कि 1/125, 1/100 ऑफ अ सेकेंड पे आप शटर स्पीड को रखें या थोड़ा उससे ऊपर रखें जब भी आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो. ये एक सेफ जोन होता है मेरे ख्याल से. 1/60th, 1/80th पे भी लोग शूट करते हैं, बट वो लोग जिनका हाथ रियली स्टडी होता है और कैमरे के सारे स्टेबलाइजेशन फीचर, लेंस के सारे स्टेबलाइजेशन फीचर ऑन होते हैं. बट फिर भी अगर कोई डांस परफॉर्मेंस है या कोई बहुत फास्ट मूवमेंट है जिसपे यू नो आप शूट कर, जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो 1/60th या 1/80th या इवन एट टाइम्स 1/100th ऑफ अ सेकेंड भी सफिशेंट नहीं होता उसके लिए. शटर स्पीड के लिए कोई थंब रूल नहीं है, बट कोशिश पूरी करिए कि अपने शटर स्पीड पे एक वॉच रखिए कि वो स्लो तो नहीं जा रही है. स्लो से मेरा मतलब है 1/100th या 1/80th के नीचे तो नहीं जा रही है. अगर जा रही है तो हो सकता है कुछ केसेस में आपके शॉट्स में मोशन ब्लर नज़र आए. जब भी सब्जेक्ट मूव करता है तो आपके शॉट ब्लर नज़र आए. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ शटर स्पीड को बढ़ा लीजिए. नाउ शटर स्पीड को बढ़ाने के साथ एक ट्रबल आता है जिसको हम बोलते हैं हाई ISO. कई लोग ये बोल सकते हैं कि मैं जब भी अभिषेक भाई शटर स्पीड को बढ़ाता हूं तो मेरा जो ISO वो ऊपर चला जाता है और मुझे या तो ISO को ऊपर करना पड़ता है, नंबर बढ़ाना पड़ता है ISO का, जिससे नॉइज़ एंड ग्रेन्स आते हैं पिक्चर में और फिर पिक्चर की क्वालिटी बड़ी ख़राब हो जाती है. मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए और ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो में भी पूछा था और अपनी वर्कशॉप में भी पूछता था. जितने भी लोग ये वीडियो अगर देख रहे हैं, आपने कभी वेडिंग एल्बम अपने क्लाइंट को दी हो, कभी उसने खोल के कोई इमेज पे आया और उसने बोला अरे रे रे कितनी नॉइज़ है इस इमेज में, कितने ग्रेन्स है इस इमेज में, कभी ऐसा बोला किसी क्लाइंट ने आपको? मुझे नहीं लगता, मुझे तो नहीं बोला किसी क्लाइंट ने. या कभी किसी क्लाइंट ने पेज पलटा बोला इसका तो वाइट बैलेंस ऑफ है, ये तो आपने पूरा गलत वाइट बैलेंस डाला है. लेट मी टेल यू, एक पिक्चर में नॉइज़ और ग्रेन्स एक फोटोग्राफर को ही दिखते हैं दूसरे फोटोग्राफर की फोटो में, क्लाइंट को कभी नहीं नजर आता. क्लाइंट इज लुकिंग फॉर स्टोरीज, क्लाइंट इज लुकिंग फॉर मोमेंट्स. लेट मी टेल यू दैट. इमेजिन एक फादर है, उसकी बेटी की शादी हो गई है, शादी हुए 5 साल हो गया है और अब उसको उसकी बेटी अमेरिका चली गई, कनाडा चली गई, उसको अपनी बेटी की बड़ी याद आ रही है. फादर शाम को निकलते हैं, एक ओल्ड मॉन्क का पेग बनाते हैं, अपनी इजी चेयर पर बैठते हैं, शादी वाली एल्बम निकालते हैं, अब एक एक पन्ने को पलटते जाते हैं और जो स्टोरीज एज अ फोटोग्राफर आपने क्रिएट करी उस शादी की, हर एक पिक्चर को देख के कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और एंड में जब विदाई वाली पिक्चर्स आती हैं तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं. लेट मी टेल यू, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर.
कि दे कैन चेरिश दैट मोमेंट वेन एवर दे वॉन्ट, इवन 10 years डाउन द लाइन जब उस एल्बम को वो देखें तो उनको वही मोमेंट्स फील हो, उनको वही गूज बम्स आए एल्बम देखने के बाद जो उस मोमेंट पे आए थे. तो प्लीज़ ISO को बढ़ाने में झिझकिए मत. आजकल के जितने फुल फ्रेम कैमराज हैं, ट्रस्ट मी आई हैव प्रिंटेड फोटोग्राफ्स 8x10 साइज, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा साइज पे आप एल्बम में प्रिंट करते हैं. इवन A3 साइज तक मैंने पिक्चर्स को प्रिंट किए हैं एट द ISO ऑफ 10,000 ऑन अ फुल फ्रेम कैमरा. नाउ एक कैच जरूर है, अगर आपके पास हाई मेगापिक्सल कैमरा है, 30 से ऊपर या 35 से ऊपर मेगापिक्सल कैमरा है, तो ISO को समवेयर अराउंड 6400 पे लिमिट कर दीजिए. इस ISO तक आप बखूबी 8x10 के साइज पे इमेज को एल्बम में प्रिंट कर सकते हैं. ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप खुद जाइए 6400 ISO पे आप पिक्चर को खींचिए और जाके एक प्रिंटर के पास 8x10 के साइज पे प्रिंट करके लाइए. मजा ले आप उसमें नॉइज एंड ग्रेज नजर आ जाए आपको. हाँ, आपको उसमें कुछ टेक्सचर नज़र आ सकता है, वो प्रिंटर का खुद का यू नो टेक्सचर है, कागज़ का टेक्सचर है, वो नॉइज़ एंड ग्रेन्स नज़र नहीं आते हैं क्योंकि कैमरा आजकल के इतने ज़बरदस्त हो गए हैं. अगर आपके पास थोड़ा सा कम मेगापिक्सल का कैमरा है पर फुल फ्रेम है, जैसे 24 मेगापिक्सल एक सोनी A7S3 आता है 12 मेगापिक्सल का, तो आप और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं ISO, अराउंड 10,000-12,000 ISO तक भी जा सकते हैं आप. ध्यान रखिए इस चीज़ का कि जब भी आपको एक ऑप्शन चूज करना हो कि क्या आपको शटर स्पीड बढ़ानी चाहिए या ISO को नीचे रखना चाहिए, तो आप शटर स्पीड बढ़ा लीजिए भले ही आपको ISO ऊपर करना पड़े, बिकॉज कंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लाइंट. प्रॉबेबली आपके लिए नॉइज ना आना इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट क्लाइंट नॉइज नहीं देखना चाहता है, ना देख रहा है, क्लाइंट को चाहिए कॉन्टेंट. और अगर बाई चांस किसी एक फोटोग्राफ में नॉइज एंड ग्रेन्स आ भी जाते हैं, अगर आपको लगता है विजिबल है, तो उसको मोनोक्रोम में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको एक सेपिया टोन दे दीजिए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में डाल दीजिए, वो विंटेज फोटोग्राफ बन जाएगी. बट आपने अगर शटर स्पीड ये सोच के नहीं बढ़ाई कि आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा और सब्जेक्ट में मोशन ब्लर आ गया, तो दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर उसको फिक्स नहीं कर सकता. हाई ISO को डीनॉइजिंग किया जा सकता है, लाइट रूम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है, जैसे टोपाज का डीनॉइज सॉफ्टवेयर आता है, मैं यूज़ करता हूँ, बहुत सारे ऐसे डीनॉइजिंग सॉफ्टवेयर है, बट ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं बना है जो इमेज को जो ब्लर हो गई उसको शार्प कर दे. तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, जो चीज़ करेक्ट नहीं हो सकती उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ज़्यादा सेटिंग से फिडल नहीं करना चाहते, आप मोमेंट में रहना चाहते हैं, आप स्टोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप अपने कैमरे की सेटिंग से बार बार उसकी तरफ ध्यान ना दें. ISO को ऑटो पे डाल दीजिए. आजकल के कैमरास मैनुअल मोड में भी आप ISO को ऑटो पे डाल सकते हैं. गॉन आर द डेज, ऐसा टाइम था पहले, मेरे ख्याल से 2011-12 से पहले, जब मैनुअल मोड पे आप ऑटो ISO नहीं कर सकते थे, बट अब आप वो भी कर सकते हैं. तो आपका काम सिर्फ ये रहता है कि आप अपर्चर और शटर स्पीड पे ध्यान दें. आजकल के कैमरेज का कोई भी ब्रांड हो, ऑटो ISO बहुत ही बखूबी काम करता है. छठी चीज़ है डायरेक्शन ऑफ लाइट. जब भी आप कोई इमेज को कॉम्पोज कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, से फॉर एग्जांपल वरमाला वाला सीन या फेरों वाला सीन या बारात, कोई भी ऐसा सीन जहाँ आपको लगता है एक मोमेंट क्रिएट होने वाला है, इमीडिएटली द सेकंड थॉट शुड बी कि लाइट कहाँ से आ रही है या मुझे लाइट कहाँ से चाहिए. अगर आपके पास एक लाइट सोर्स है और आपको लगता है उस जगह से खड़े होके आपके सब्जेक्ट पे अच्छी लाइट पड़ेगी, तो इमीडिएटली अपनी पोजीशन चेंज करिए. और अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ या सफिशिएंट लाइट नहीं है, देन ट्राई एंड यूज बाउंस फ्लैश. फ्लैश अपने कैमरे के ऊपर लगाइए एंड ट्राई टू लुक आउट टू द सर्फेसिस अपने लेफ्ट या राइट या सब्जेक्ट के लेफ्ट या राइट, जहाँ पे आप फ्लैश को बाउंस करा सकते हैं. और ट्रस्ट मी, फ्लैश के ऊपर वो जो लोग एक सॉफ्ट बॉक्स सा लगा लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट उसमें से उतनी ही हार्श निकलती है. सोर्स ऑफ लाइट जितना बड़ा होगा उतनी लाइट सॉफ्ट होगी. और अगर आपके सब्जेक्ट के लेफ्ट या राइट पे दीवारें हैं या कोई ऐसा सरफेस है जहां से फ्लैश लाइट बाउंस करके वापस आ सकती है, ट्राई एंड बाउंस द फ्लैश ऑन दैट डायरेक्शन. यूज अ स्नूट. फ्लैश के आगे आजकल क्या पहले से आ रहे हैं स्नूट्स होते हैं, जो कुछ वेलक्रो के स्नूट्स आते हैं, कुछ प्लास्टिक के आते हैं, जो लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करने का काम करते हैं. तो वो मैं स्नूट लगा के रखता था एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर
सर्फेसेस जहां पे मैं लाइट को बाउंस करा सकूं। पर बाउंस फ्लैश एक ऐसी चीज है, अगर आप सीलिंग पे बाउंस कर रहे हैं, बैंक्वेट हॉल के अंदर है, सीलिंग पे उसको बाउंस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, डायरेक्टली नहीं एक एंगल पे, तो आप देखेंगे। और ये ट्राई करके देखिए आप अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग एंगल में आपको क्या सूट कर रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री पे करना है या 45 डिग्री पे करना है या 80 डिग्री पे करना है, आप बाउंस करके देखिए, स्नूट लगा के देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं आपके आगे, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव वे है। हाँ, आउटडोर्स के केस में थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो वालों पर रिलाय करता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था कि सब्जेक्ट पे लाइट मारो, बिकॉज वहाँ तो ओपन स्काई है, आप किधर बाउंस कराएंगे। सो वो एक थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, बट स्टिल आउटडोर्स में मैं वीडियो लाइट पे ज़्यादा डिपेंड करता था रादर देन यू नो फ्लैश लाइट, क्योंकि फ्लैश लाइट क्या है आउटडोर्स पे, अगर आप डायरेक्टली मार रहे हैं, क्योंकि बाउंस तो करेंगे नहीं आप इधर उधर, सब्जेक्ट पे ही मारेंगे, तो काफ़ी शॉट है ना पूरा फ्लैट हो जाता था, तो वो काफ़ी बेकार शॉट लगता था। वीडियो लाइट जो वीडियोग्राफर के कैमरे के थ्रू आ रही है और आप एक दूसरे एंगल पे खड़े हैं, तो भी आपको थोड़ा सा उसमें डेप्थ मिल जाती थी शॉट में इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग। और अभी आपने एकदम से थोड़ी ज़्यादा लाइट मेरे चेहरे पे देखी होगी, वो इसलिए बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। एक विंडो है और मेरे सामने एक अपार्टमेंट है, उसकी वॉल पे यू नो सनलाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके मेरे चेहरे पे आ रही है, तो आपको ये एक सॉफ्ट लाइट इफेक्ट, और क्योंकि वो सोर्स इतना बड़ा है, अब देखिए अब सनलाइट चली गई तो थोड़ी सी लाइट डिम हो गई होगी, तो जो सोर्स बड़ा है इसलिए ये सॉफ्ट लाइट क्रिएट हो रही है। तो इसी तरीके की लाइटिंग इफेक्ट आपको फ्लैश दे सकता है। ट्रस्ट मी, स्पीड लाइट जो होती है दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। और सही तरीका जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स मुझे समझ में आया है वो ये है कि स्पीड लाइट पे एक स्नूट लगाया जाए और उसको बाउंस कराया जाए सर्फेसिस पे। हाँ, एक कैच ज़रूर है, अगर सपोज प्लाईवुड की दीवार है या मोस्ट ऑफ द होटल्स में यू नो टेक्सचर्ड दीवारें होती हैं, ब्राउन दीवारें होती हैं, तो जब आप उन पर बाउंस कराते हैं तो वो अपने साथ वो कलर लेकर आते हैं वापस, तो जो इफेक्ट होता है वो आपको थोड़ा सा वार्म दिखेगा या ब्राउनिश इफेक्ट दिखेगा। इसको आप फिर भी करेक्ट कर सकते हैं अगर आप रॉ पे शूट कर रहे हैं, आपको बस थोड़ा सा वाइट बैलेंस इधर से उधर करना है, तो स्टिल इट इज़ मैनेजेबल, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट फ्लैश मार रहे हैं मुँह पे, वो पूरा शॉट को यू नो फ्लैट कर देगा, कोई डेप्थ नहीं रह जाएगी। सातवीं चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी रिलेटेड सर्च कराई जाती है, वो है इक्विपमेंट, कि भाई कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के लिए इक्विपमेंट कौन सा यूज़ हो। कई सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने बोला 70-200 2.8 ले आओ और ज़िंदगी आपकी वाह वाह हो जाएगी, यू नो फिर दूर बैठो, चाय की चुस्कियाँ लो, कॉफ़ी पियो और वहीं से शॉट लेते रहो। मैंने 20mm 1.4 से भी शूट किया है, मैंने किट लेंस 24-120mm जो निकॉन का किट लेंस आता था उससे भी शूट किया है, मेरे पास लूमिक्स S1R है, तो लूमिक्स का जो S सीरीज़ का 24-105 F4 लेंस है उससे भी शूट की है वेडिंग। 70-200 2.8 से तो शूट करी ही है, उसके अलावा मैंने 105mm मैक्रो जो लेंस आता है उससे भी पोर्ट्रेट शॉट्स निकाले हैं वेडिंग्स में, उससे भी कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करी है, मैंने 60mm से भी करी है, मैंने स्टार्टिंग में 18-105mm लेंस से भी करी है जो कि APS-C का किट लेंस होता था कैनन और निकॉन में, मैंने निकॉन से करा है। और ट्रस्ट मी, जब मैं शूट करता था उस टाइम पे मुझे ये एहसास नहीं था कि यू नो 70-200 2.8 होगा तो मैं तो भैया क्या ही कर दूंगा, बट पॉइंट मेरा यह है कि यू नो एज अ फोटोग्राफर अगर आप स्ट्रगल करते हैं एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के साथ, आपको लगता है कि आप उससे शूट नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इक्विपमेंट डिपेंडेंट हैं। ऑफ कोर्स कुछ जॉनर ऑफ फोटोग्राफी होता है जहां पे आप इक्विपमेंट डिपेंडेंसी आपको दिखानी पड़ती है, बट मुझे नहीं लगता वेडिंग वो जॉनर है। वेडिंग में अगर आपके पास मुझे कोई 20mm देगा तो मेरी अप्रोच चेंज हो जाएगी, मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट के पास रहना चालू करूँगा। और ये कह देना कि आप अगर सब्जेक्ट के पास रहेंगे तो सब्जेक्ट को ये पता होगा, कपल को ये पता होगा या उस जेंटलमैन को जिसकी भी आप पिक्चर ले रहे हैं उसको ये पता होगा कि आप खींच रहे हैं, फिर वो कॉन्शियस हो जाएगा, फिर आपके पास कैंडिड मोमेंट नहीं आएंगे। यू नो एक बार आप वेडिंग में होते हैं, नोबडी केयर्स अबाउट फोटोग्राफर अनलेस एंड अंटिल दे वॉन्ट देयर पिक्चर्स टू बी क्लिक्ड। सब इतने बिजी होते हैं वेडिंग में, सब इतना इंजॉय करने में बिजी होते हैं। हाँ, ऑफकोर्स फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेडिंग, बट उसका रियलाइजेशन तब होता है जब एल्बम प्रिंटिंग पे जाती है, खासकर क्लाइंट को। मोमेंट में आपका जॉब है कि आपके पास कोई भी इक्विपमेंट हो,
ऑफकोर्स 70-200 2.8 होता है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होती है, आप थोड़ा दूर रह सकते हैं, आप जूम इन करके सब्जेक्ट को अपने करीब कर सकते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. बट सेम थिंग कैन हैपन विद 105mm मैक्रो लेंस, 135mm, सेम थिंग कैन हैपन विद 85mm. अगर आप ये बोलते हैं कि सिर्फ 70-200 2.8 से ही शूट होगा तो ये गलत है. आप सर्च कराइए इंटरनेट पे, फ्लिकर पे जाइए, 500px पे जाइए, बहुत सारी वेबसाइट है, आप सर्च कराइए 20mm वाइड एंगल वेडिंग फोटोग्राफी, आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे. आप वो छोड़िए, आप सर्च कराइए आईफोन वेडिंग फोटोग्राफी, आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे. क्या इन सब ने 70-200 यूज़ किया है? नहीं किया है. बहुत से सीन ऐसे वेडिंग में होते हैं जो कई फोटोग्राफर सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उनके कैमरे के ऊपर 70-200 2.8 लगा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, विदाई वाला सीन जिसमें ब्राइड गाड़ी में बैठ चुकी है, ग्रूम गाड़ी में बैठा है, आप आगे की सीट पे जाते हैं और कुछ कैंडिड मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी के अंदर का पर्सपेक्टिव आप दिखा सकें. आप लगाइए 70-200 उधर और शूट करके दिखाइए. वो जो मोमेंट होता है वो एक वाइड एंगल लेंस, जिस अगर आपके पास प्राइम अपर्चर प्राइम लेंस है 20mm f/1.4 या से 35mm f/1.4, देन यू कैन कैप्चर दैट मोमेंट प्रीटी वेल. प्लीज़ ध्यान रखिए, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, जिनके वीडियोस आपको देखने आप देखिए, बट किसके मुँह से आप सुन रहे हैं ये परखना बहुत ज़रूरी है. जो फोटोग्राफर्स ये बोलते हैं कि 70-200 2.8 आपको लेंस चाहिए ही चाहिए, उन फोटोग्राफर की प्रोफाइल जाके देखिए, या तो कैनन के ब्रांड एम्बेसडर है, या निकॉन के ब्रांड एम्बेसडर है, या सोनी के ब्रांड एम्बेसडर है, और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है जो कि उस ब्रांड ने उनको दिया है कि सटल वे में हमारे लेंसेज को, हमारे इक्विपमेंट को आप प्रमोट करो ताकि जनता इनको खरीदे, पीरियड. आप उनकी प्रोफाइल पे जाइए, एक ढंग की वेडिंग फोटोग्राफ आपको नहीं मिलेगी. मैं रिपीटेडली ये चीज़ बोलता हूँ जो मैंने सीखी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, कि लाइट की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप चाहे APS-C कैमरा ले लें, चाहे आप फुल फ्रेम ले लें, चाहे आप आईफोन ले लें, यू कैन रियली रियली पुल आउट सम रियली नाइस शॉट्स, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे कोई भी और जॉनर ऑफ फोटोग्राफी हो. अगर आप मेरी बात करें तो जब मैं वेडिंग शूट करता था तो मैं दो बॉडीज रखता था अपने पास मोस्ट ऑफ द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द वेडिंग. अगर स्केल बहुत बड़ा नहीं होता था, बहुत छोटी वेडिंग है, तो मैं एक कैमरा और 24-105 f/4 लेंस, इसी से पूरी वेडिंग निपटा देता था. बट अदर देन दैट, अगर मुझे लगता था स्केल बड़ा है वेडिंग का, काफ़ी गेस्ट आएंगे, तो एक कैमरे पे मेरे लगा होता था जूम लेंस. अब वो चाहे 70-200 हो, चाहे 105mm मैक्रो हो, मैंने 105mm मैक्रो लेंस से बहुत शूट किया है. ट्रस्ट मी, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंसेज फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ट्राई करके देखिएगा. फिर मैंने 35mm 1.4 लगाता था, और दूसरी बॉडी पे मैं लगाता था 24-70 24-105, या एट टाइम्स ब्लॉक 20mm लेंस भी. और मैं दो बॉडीज़ दो अलग अलग लेंसेज के साथ इसलिए लेता था क्योंकि मेरे पास बड़ा इजी होता है, जब आप लेंस चेंज करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है. एक ही फोटोग्राफ, एक ही सीन को आपने से 100mm से ले लिया और इमीडिएटली फिर दूसरी बॉडी के ऊपर दूसरा वाइड एंगल लेंस लगाया, उसी सीन को आपने वाइड से ले लिया, तो आपके पास एक ही सीन के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव आ गए, एंड बाद में यू कैन चूज एंड डिसाइड कि कौन सा शॉट आपको बेटर लग रहा है. तो मैं हमेशा रखता था. कई बार कपल से मिलने उनके फ्रेंड्स आते थे और उनको अपने साथ एक अच्छा ग्रुप शॉट चाहिए होता था, और मेरा जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है वो कहीं और शूट कर रहा है, तो एटलीस्ट मेरे पास एक वाइड एंगल लगा हुआ है टू टेक अ ग्रुप शॉट, तो इसलिए भी मैं ग्रुप शॉट के लिए भी वो रखता था, तो अच्छे प्राइम लेंस से अच्छे ग्रुप शॉट आ जाते थे. तो इसलिए मैं दो बॉडी रखता था. मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप दो बॉडी रखिए, बट हाँ, काम आसान हो जाता है, बार बार लेंस चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती. बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, वेडिंग में कई इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जहाँ 70-200 बिल्कुल नाकाम रहता है, वहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंसेज चाहिए होते हैं. मैंने इंटरनेशनल वेडिंग फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में पास्ट कितने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखी, और कुछ जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो वेडिंग फोटोग्राफी ऑफ द ईयर के अवार्ड्स डिक्लेयर करते हैं उधर मैं देखता रहता हूँ, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार, वाइड एंगल से जो शॉट निकल के आते हैं, जो स्टोरीज निकल के आती हैं, वो जूम लेंसेज से नहीं आते. सो जितना हो सके अपने आप को पॉलिश करिए अपने किट लेंस के साथ. ट्रस्ट मी, जो आपके पास अभी है, दैट्स द बेस्ट कैमरा जो आपके पास है, उसको आप लीजिए, लाइट की अंडरस्टैंडिंग को बेटर कीजिए,
थोड़ा चीज़ों को एंटिसिपेट करना चालू करिए। अगर आप प्रोफेशनली वेडिंग, कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं तो इमोशनल क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, एंड देन यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर वेडिंग फोटोग्राफी। सो दैट्स इट गाइस, काफ़ी इलाबोरेटिव वीडियो था ये मेरी तरफ से, और मैंने पूरी कोशिश करी जितनी जानकारी मैं स्क्वीज करके आपके आगे रख सकूँ उतनी जानकारी मैंने रखने की कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड माई अपोलोजीज टू ऑल दोज यूट्यूबर्स जिनकी बातें मैंने यहाँ रखी, जो सो कॉल्ड मिथ फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई ये कल को देख ले, जो कि मुझे लगता डाउट है कि कोई देखेगा, बट फिर भी अगर देख ले तो माई अपोलोजीज। आप लोगों के काम से मेरे को बिल्कुल भी यू नो पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना होनी चाहिए, बट ये है कि अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग मत फैलाइए, मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए लोगों को, सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। काफ़ी लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आप पे फेथ रखते हैं, तो उस फेथ को मत तोड़िए प्लीज़। सो दैट्स इट गाइज, आई विल बी बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रेटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।